इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के लेवल्स की बात करने वाले हैं, ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स की। ठीक है, इंडेक्स और फ्यूचर के लेवल में अंतर होता है। तो हमारे यहाँ पे जो कॉल बैंक के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है सोमवार के लिए, वो निकल के आ रहा है 50,040, 50,040। जैसे ही सोमवार के दिन मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होता है, और कंसोलिडेशन जोन में ओपन होने के बाद 50,040 50,040 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 50,340, 50,340। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 50,580, 50,580। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 50,810, 50,810। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने 50,040 के लेवल का सोमवार के दिन ब्रेकआउट दिया तो। 5 मिनट की कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद हमें ये ट्रेड लेना है, और मार्केट सीधे ही हमें 300 पॉइंट का मोमेंटम देते हुए अपर साइड में दिखाई देगा। ये हो गए हमारे कॉल बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पुट बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। और पुट बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है सोमवार के लिए, वो निकल के आ रहा है 49,730, 49,730। जैसे ही सोमवार के दिन मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होने के बाद 49,730 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 49,605, 49,605। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 49,450, 49,450। और तीसरा टारगेट जो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 49,315, 49,315। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सोमवार के दिन पुट बाइंग में ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने 49,730, 49,730 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।